प्याज के पकोड़े और दो समोसे। ये कोटली से हम पकोड़े लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हम आए थे जामशोरो कोटरी, जहाँ पे हमें शनाख्ती कार्ड नादरा से उठाना था, जो हमारी उसकी डेट ख़त्म हो गई थी, तो हमने वो नया कार्ड बनवाने के लिए फोटू मोटू निकलवाया, फार्म भरवाया। उसके बाद जो डेट थी वो आज की डेट थी जब हमने ये शनाख्ती कार्ड लिया कोटरी से। तो हमने वापसी में सोचा तो दरगाह की ज़्यारत करें, बाबा सलाहुद्दीन दरगाह जो इस कोटरी मेन रोड पे है। तो यहाँ पे हमें एक स्टाइल लगा हुआ बाबा की दरगाह पे नज़र आया, बहुत खूबसूरत स्टाइल था। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना लें और आपको दिखाएं। तो इसमें हर किस्म की जो ना ये चीज़ें माशाल्लाह पड़ी हैं, इसमें बच्चों के हर किस्म के खिलौने हैं, गुलदस्ते, छोटी गाड़ियाँ और ये मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े जिसे हम पाटोड़े कहते हैं, और ये मिट्टी के बने हुए गिलास, गुल्लक सारे इसमें पड़े हैं, और ये इसमें नलके लगे हुए हैं मटके छोटे पानी के, इसमें पानी आदमी रखे तो माशाल्लाह ठंडा होता है बहुत। ये मटके और ये मिट्टी की बनी हुई देगची के नीचे भी पड़ी है। ये और जो भी यहाँ पे आते हैं बाबा सलाहुद्दीन की दरगाह पे ज़ायरीन, वो ये जो दिए पड़े हैं वो जला के इनमें वो तेल और वो पत्ती डाल के जलाते हैं। माशाल्लाह बच्चों के खिलौने कितने पड़े हैं, माशाल्लाह ये गुलदान फूल। पानी के प्याले मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बर्तन और ये प्लास्टिक के बर्तन बच्चों के खिलौने, और ये मिट्टी के बर्तन बच्चों के, ये भी खिलौने मिट्टी से बने हुए, और ये ट्रक बनी हुई है लकड़ी से। ये थोड़ा डिज़ाइन वाली है, और ये सादी ट्रक है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना, आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। परली तरफ भी स्टा लगा हुआ है, उस तरफ भी स्टा लगा हुआ है माशाल्लाह। इसमें भी सारे बच्चों के खिलौने हैं, ये भी सारे बच्चों के खिलौने, मिट्टी के बर्तन माशाल्लाह। और इस तरफ भी हैं फूल, गुलदान, मिट्टी के बर्तन यहाँ भी पड़े हैं सारे। माशाल्लाह ये बाबा सलाहुद्दीन की दरगाह जो कोटरी शहर में है, बिल्कुल रोड के साथ। आपको दिखाएं ये माशाल्लाह, ये सामने कोटरी रोड, और यहाँ पे जो ये ज़ायरीन आते हैं जो नजराने अंदर रखते हैं, जिसमें ये
मिठाइयाँ हैं, ये फूल हैं, अगरबत्तियाँ, और यहाँ पे जो परिंदे आते हैं उनके लिए ये बाजर भी पड़ी है, बाजरा। ये दरगाह बाबा सलाहुद्दीन, हजर फकीर बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये रोज़ा मुबारक। यहाँ पे तामीरती काम चल रहा है, यहाँ पे बाबा सलाहुद्दीन के बराबर में यहाँ अभी हम अंदर चलते हैं, ज़्यारत करें। यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं इसमें तेल डालते हैं, मीठा तेल, इसमें आग लगाएंगे भी। ऊपर ऊपर मुझे ये बाबा सलाहुद्दीन की मज़ार के अहाते में अंदर खड़े हैं हम, माशाल्लाह। बाबा सलाहुद्दीन की ये मज़ार जहाँ पे हम अंदर खड़े हैं, यहाँ पे अल्लाह पाक के ऊपर जो ना ये नाम उन्होंने नस्ब किए हैं 99, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी 99 यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, माशाल्लाह। सलाहुद्दीन का कब्र मुबारक, माशाल्लाह। ये बाबा के मुरीद इनके माशाल्लाह ये सफाई मफाई करते हैं। कोटरी से कार्ड लेके आए, अपना शनाती कार्ड। अब ये सोचा कि पकोड़े हमने जब लिए तो
तो हमने कहा कि देखें कोई जगह अच्छी सी मिले तो हम वहाँ पे बैठ के खाएं। तो अभी ये बाबा सलाहुद्दीन की दरगाह से हमें ये न्याज की थैलियाँ मिली दो, और ये पकोड़े हमने लिए, समोसे पकोड़े, और ये ब्रेड। और ये जहाँ पे बैठे हैं ये माशाल्लाह गाजी का आलम पाक, वहाँ पे बैठ के हम ये पकोड़े खा रहे हैं, और बाबा सलाहुद्दीन से जो हमें न्याज मिला वो न्याज भी खा रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तो एवरीवन, अभी हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। जो बाबा सलाहुद्दीन के दरगाह पे हमने ज़्यारत की, तो वहाँ जब वापस आ रहे थे हम घर की तरफ निकल रहे थे, तो हमें वहाँ से चावल की दो अपना थैलियाँ मिली, बिरयानी मीठे की न्याज की, और हमने रास्ते में पकोड़े लिए। तो हमने सोचा कि कहाँ बैठ के खाएंगे, तो आपने देखा हमने वो पकोड़े भी खाए ये आलम के साए में, और माशाल्लाह अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। चलो भाई गाड़ी उठाएं, ये हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी, हम आगे जा रहे थे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी में चाबी लगाएं, ये चाबी लग गई, हाथ हो गई, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि नादरा आए थे, शनाख्ती कार्ड उठा लिया, अब चल रहे हैं माशाल्लाह अपनी घर की तरफ। तो व्यूअर्स आपसे गुजारिश है, हमें दुआओं में याद करें, तरीका कि हम पान खाएं। तो ये भाई हमारे लिए पान बना रहे हैं, इसको बनाना सादा खुशबू, और इसको थोड़ा जरूर राजा जानी। ये भाई हम पान खा रहे हैं, खाना खाया हमने पकोड़े और डबल रोटी, अब हम ये पान खाएंगे, सही पान का मज़ा लेंगे माशाल्लाह। ये पान बना रहे हैं भाई हमारे लिए, सादा खुशबू, खुशबू लगाना था। हाँ सही, खुशबू लगाएगा भाई माशाल्लाह, वाह वाह। हाँ ये मैं खाता हूँ, हमने पान खा लिया भाई, और खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला, ये भाई ने हमें पान खुलाया भाई, और एक ये पान बना रहा है हमारे लिए। Thank you.